प्रदूषण की समस्या पुरानी हो चुकी है। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या का सामना दिल्ली कर रही है, लेकिन प्रदूषण को लेकर जो नई रिपोर्ट सामने आई है वो परेशान कर सकती। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी ने जो रिपोर्ट जारी की है वो सच में दिल्ली वासियों को हैरत में डाल सकती। रिपोर्ट के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया, जबकि भारत विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, जहां वायु प्रदूषण सबसे खतरनाक स्थिति में है। प्रदूषण अगर इसी तरह WHO की तय सीमा से ज्यादा बना रहा तो दिल्ली वासियों का जीवन प्रत्याशा 11.9 साल कम होने की आशंका है। जीवन प्रत्याशा जीवन की बची अवधि का अनुमान होता है। शिकागो यूनिवर्सिटी के ऊर्जा नीति संस्थान की ओर से जारी वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक यानी कि AQLI में बताया गया है कि भारत के 1.3 अरब लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां वार्षिक औसत कण प्रदूषण स्तर निर्धारित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर की सीमा से अधिक है। रिपोर्ट में ये भी पाया गया है कि देश की 67.4% आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर देश के अपने राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मानक 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से भी अधिक है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्र के सबसे कम प्रदूषित जिले में पंजाब का पठानकोट भी सूक्ष्म कणों का प्रदूषण WHO की सीमा में 7 गुना अधिक है। अगर यही स्थिति बरकरार रही तो वहां पर जीवन प्रत्याशा 3.1 साल कम हो सकती है। रिपोर्ट में गौर करने वाली बात यह है कि कण प्रदूषण समय के साथ साथ बढ़ रहा है। 1998 से 2021 तक भारत में औसत वार्षिक कण 67.7% बढ़ा, जिससे कि औसत जीवन प्रत्याशा 2.3 साल कम हो गई। इसमें कहा गया कि साल 2013 से 2021 तक दुनिया में प्रदूषण वृद्धि से 59.1% के लिए भारत जिम्मेदार था। अध्ययन में शामिल माइकल ग्रीनस्टोन के मुताबिक बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नाइजीरिया और इंडोनेशिया का सबसे बुरा हाल है, जहां लोग प्रदूषित हवा में सांस लेने के कारण अपने जीवन काल का 1 से 6 साल से ज्यादा समय गवा देते हैं। भारत सरकार ने प्रदूषण के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम शुरू किया था। बता दें NCAP का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर 2017 की तुलना में 2024 तक कण प्रदूषण को 20 से 30% तक कम करना रखा गया और उन 102 शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो कि भारत के राष्ट्रीय वार्षिक औसत PM 2.5 मानक को पूरा नहीं कर रहे थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत में कई और ऐसी जगहें हैं जहां WHO के मानदंडों पर स्वच्छ हवा पाई गई,